स्टूडेंट्स की लाइफ की दो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसको आज हम टच करने वाले हैं। और मेरे अकॉर्डिंग जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट की लाइफ से रिलेटेड, उन सबको इन दो प्रॉब्लम्स में कैटेगराइज किया जा सकता है। पहली प्रॉब्लम यह है कि हम जाने या अनजाने गलत ट्रैक पे चलने लग जाते हैं। गलत ट्रैक क्या है? बहुत ही सिंपल है, सिगरेट, शराब, नशा, किसी भी तरह का कुछ भी हो, वहां से ले करके एडिक्शन टू व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, मोबाइल, इंटरनेट, टेलीविजन, ये सब क्या है? सब गलत ट्रैक है। अब यहां पे ध्यान से समझना जो चीज मैं कह रहा हूं, प्रॉब्लम मोबाइल में नहीं है, इससे जो हमारी एडिक्शन है, जो हमको लत पड़ती जा रही है कि एक मिनट के लिए भी चाह करके भी हम मोबाइल को छोड़ नहीं पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। किसी भी तरह का, किसी भी इंसान से, किसी भी चीज से, किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी स्टेट से, किसी भी एक्सपीरियंस से अगर आपको एडिक्शन हो जाए तो आप समझ जाओगे आप गलत ट्रैक पर जा रहे हो। ये है गलत ट्रैक। एडिक्शन नहीं है, लिमिट में कर रहे हो, कोई बुराई नहीं। मोबाइल अपने आप में एक बहुत ही अच्छा टूल है। अगर मोबाइल से कुछ बुरा हो रहा है हमारी सोसाइटी में तो बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है, और बहुत कुछ अच्छा भी हो सकता है अगर उस टूल को हम ढंग से यूज करना सीख जाए तो। लेकिन अगर वो टूल जो कि मोबाइल है वो हम पर हावी हो जाए तो बहुत गड़बड़ है, तो बड़ा भयानक टूल है। खाना खा रहे होंगे लेकिन उसके साथ में मोबाइल चल रहा होगा, छोड़ा ही नहीं जाएगा, चिपक जाएंगे। जैसे एक आदमी से शराब नहीं छोड़ी जाती ना, ऐसे मोबाइल नहीं छोड़ा जाएगा। और यही हो भी रहा है आज की डेट में। अभी भी आप में से कुछ लोगों का मन कर रहा होगा, चल एक बार देख लूं मोबाइल पे क्या है रहा है। एडिक्शन है, एडिक्शन है। ये हो गया गलत ट्रैक। सही ट्रैक क्या है वो हम सबको पता है। वो क्या है कि अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है इस पॉइंट पे? पढ़ना, पढ़ाई करना, और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। अभी आप क्या करोगे छोड़ करके? हवाई बड़े बड़े प्लान आप बना सकते हो, हवाई महल खड़े कर सकते हो, मान लिया वो कर भी सकते हो, लेकिन अगर अभी 12th स्टैंडर्ड में हो तो अभी तो नहीं कर सकते ना। अभी तो बिजनेस नहीं कर सकते, अभी तो जॉब नहीं कर सकते, अभी तो जाकर के हीरो नहीं बन सकते, तो अभी क्या करना है? अभी तो पढ़ना है। मेडिकल कॉलेज में आ गए तो डॉक्टर बन के ही निकलना है ना, बीच में तो नहीं छोड़ा जा सकता। और अगर आज आपने इसको बीच में छोड़ा तो इस चीज की क्या गारंटी है कि इसके बाद आप कुछ और करोगे उसको भी बीच में नहीं छोड़ोगे, छोड़ते ही नहीं चले जाओगे? क्या गारंटी? ये है सही ट्रैक। सही ट्रैक क्या है कि एक बार एक डिसीजन ले लिया, लेने से पहले 1000 बार सोचो, 10,000 बार सोचो, ले लिया तो फिर उसमें अपना 100% डालना है। कितने लोग स्टूडेंट्स हैं यहां पर? तो आज से 2-3 साल पहले एक न्यूज आई थी जो मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ी थी, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने शायद पढ़ी होगी, और ऐसी न्यूज आती रहती है। एक स्टूडेंट था 12th स्टैंडर्ड का, ब्रिलियंट स्टूडेंट, उसने अपनी एक गोल सेटिंग करी, उसने अपना एक टारगेट बनाया कि मुझे 12th में, मतलब के बोर्ड्स के एग्जाम्स में 98% चाहिए। और उस टारगेट के बेस पे उसने आगे की अपनी सारी प्लानिंग कर ली कि जब मेरे 98% आएंगे तो मेरा इस कॉलेज में एडमिशन होगा, फिर मैं ये करूँगा, फिर मैं वो करूँगा, ऐसे ऐसे सारी प्लानिंग करता चला गया। एग्जाम्स हुए, रिजल्ट्स आए, उसकी परसेंटेज आई 96%, और उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। और ऐसे एक या दो एग्जाम्पल नहीं है, इंडिया के अंदर हजारों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने नंबर कम आने की वजह से सुसाइड कर लिया। ये तो हो गया एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल। लेकिन अगर मैं बात करूं उन स्टूडेंट्स की जो नंबर कम आने की वजह से डिप्रेशन में चले गए, परेशान हो गए, जिंदगी से हार गए, जिनका कॉन्फिडेंस जीरो हो गया, जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम आगे क्या करें, तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स होंगे इस टाइम इंडिया में? लाखों हैं, करोड़ों हैं, पता नहीं कितने हैं जिनकी जिंदगी खराब हो रही है। किस वजह से? एक गलत ट्रैक पे चलने की वजह से। अगर मैं लाइफ का आपको एग्जांपल दूं, एजुकेशन से रिलेटेड जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो क्या होगा? आप इमेजिन करो एक क्रिकेट का मैच चल रहा है, आप यहां पर बैटिंग कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, पीछे कोई विकेट्स नहीं है। ये लाइफ का गेम है, क्रिकेट का गेम नहीं है, क्रिकेट से रिलेटेड है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन ये जिंदगी है। आप यहां पर बैटिंग कर रहे हो, पीछे कोई विकेट्स नहीं है, कोई विकेट कीपर नहीं है, कोई और प्लेयर्स नहीं है, सामने से लाइफ है, जिंदगी है जो एक के बाद एक बॉल फेंकती चली जाती है।